चेहरे पर मुस्कान की जगह बेचैनी और दिल में खुशी की जगह इंतजार शादी रुक जाने का। यही है स्वरा और संस्कार की इस जबरदस्ती की शादी का सच। इस शादी के लिए ना दूल्हा राजी है और ना ही दूल्हा। ये शादी नहीं बल्कि स्वरा की मां शर्मिष्ठा को बचाने की सौदेबाजी है और इस शादी की सौदागर है रागिनी। बिना किसी की मर्जी के, बिना किसी के बस हो गई। हाँ, कोई भी रेडी नहीं था, ना वो ना मैं, और शादी फिर भी हो गई। मतलब ये देखो, ये तो एक्चुअली चमत्कार हो गया। लास्ट सेकंड तक इनफैक्ट सोच रहे थे, लास्ट फेरे से भी पहले कि ऐसा कुछ तो हो जाए, सब कुछ कोशिश कर लिया, लक्ष्य आ जाए, शादी रुक जाए, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। शादी के आखिरी फेरे तक स्वरा की निगाहें देख रही थी लक्ष्य की राह कि वो आकर ये शादी रुकवा दे, क्योंकि लक्ष्य रागिनी का सच जान चुका है। पर ऐसा हो ना सका और आखिरकार वो ही गई स्वरा और संस्कार की शादी, जिसे लेकर अगर कोई खुश है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रागिनी। अच्छा लग रहा है दोनों की शादी हो गई है। अब ऐसे लग रहा है कि लक्ष्य अब स्वरा को प्यार नहीं करेंगे, अब मुझे प्यार करेंगे, क्योंकि अभी स्वरा शादीशुदा है, उनके भाई की बीवी है, तो प्रैक्टिकली उनकी भाभी है। ये शादी भले ही बिन मर्जी की है, लेकिन इस शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों का श्रृंगार देखने लायक है। इस लाल और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली साड़ी, इस प्यारी सी नथ और मुकुट में लग रही है स्वरा बिल्कुल बंगाली दुल्हनिया। मैं प्रॉपर बंगाली दुल्हन की तरह रेडी हुई हूँ और ये एकदम ही मारवाड़ी दूल्हे की तरह रेडी हुए। मतलब कॉन्ट्रास्ट, ये सब जो मारवाड़ी दूल्हे पहनते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, बहुत बहुत जो भी था, बहुत टाइम लगा तैयार होने में। इसको कहते हैं रानी हार, मतलब ऐसे वो लंबा वाला और थोड़े से एक छोटा वाला देते हैं, और फुल स्लीव के बाद भी मैंने इतनी सारी बैंगल्स पहनी है। जैसे शाखा पोला जो हमेशा बंगाली दुल्हन पहनती है अपनी वेडिंग के टाइम पे। वैसे ये शादी कराना रागिनी के लिए इतना आसान भी नहीं था। पहले उसे फोन पर खबर मिली कि स्वरा की माँ उसके जंगल से भाग निकली है, और उसके बाद लक्ष्य भी वहाँ पर पहुँच गया। इतना ही नहीं, संस्कार की माँ ने बीमारी का नाटक भी रचा ताकि ये शादी रुक जाए, लेकिन रागिनी ने किसी की एक नहीं सुनी। शादी के अहम मौके पर, क्योंकि अब लक्ष्य को मेरी सच्चाई सब पता चल गई है, वो आते हैं और मुझे कहते हैं कि शादी रोकना, पर मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि इतना सब कुछ किया है लक्ष्य को पाने के लिए, उसके बाद शादी रोकना इज इम्पॉसिबल, तो मैं नहीं रोकती हूँ और शादी हो जाती है। पर अब वो आए हैं, शादी उन्होंने देख लिया है कि मैंने शादी नहीं रोकी है, उसका रिएक्शन मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। पूरे काम का नतीजा बुरा ही होता है रागिनी। आपने जबरदस्ती स्वरा और संस्कार की शादी तो करा दी, लेकिन लक्ष्य का प्यार पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। मुंबई से शांतनु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो।